आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुराने झाड़ू का इस्तेमाल करके आप अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम सामान के साथ में और बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए मैंने झाड़ू की तीलियाँ ली हैं, सीख वाले झाड़ू में से कुछ तीलियाँ ली हैं और ये फुल झाड़ू की तीलियाँ हैं। इनको मैंने कलर कर लिया है, ग्रीन और येलो कलर मिक्स करके आप इन्हें कलर कर सकते हैं। फैब्रिक कलर ले सकते हैं या पोस्टर कलर से भी आप इन्हें कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पीसेस हमने लिए हैं, इनको सुखा लिया है और इनका इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके बाद मैंने लिया है फैब्रिक कैरी बैग, इसमें से पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने इस तरह से कट कर ली हैं। इनको मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह के 4-5 स्ट्रिप्स आप कट कर लें और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे कट लगा रहे हैं। इस तरह से बराबर बराबर पे हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो ये हम फ्लावर्स तैयार करने के लिए कट्स लगा रहे हैं इसमें। अगर आपके पास कैरी बैग नहीं है तो आप कोई चार्ट पेपर ले सकते हैं, येलो कलर का कोई भी पेपर ले सकते हैं इसके लिए आप। तो ये देखिए, एक साथ हमने 2 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, इन्हें अलग कर लेते हैं और इसमें से हमारे 2 फ्लावर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने ली है स्टिक, जो ब्रूम स्टिक है उसको लगाया है ग्लू। और इसके बाद हमें इसे इस तरह से लगाना है फैब्रिक के पीस के ऊपर एक कॉर्नर पर और इस तरह से लपेटते जाना है। और ये देखिए, छोटा सा फ्लावर बनता जा रहा है। इस तरह से घुमाते जाइए टाइटली इसको। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे फ्लावर्स तैयार करने हैं। 4-5 फ्लावर आप इस तरह के बना सकते हैं, ज़्यादा फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ही फ्लावर्स बना सकते हैं। दूसरे कॉर्नर पर हमने ग्लू लगाकर चिपका दिया है और एक हमारा पीस बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद हमने रेड कलर में कैरी बैग लिया है और इसके बाद इसमें से भी हमने बड़ी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और उनको फोल्ड करते हुए हमने एक स्क्वायर पीस निकाला इसमें से, ये डबल है। और इस तरह से हमने इसे फिर से फोल्ड किया है और इसके बाद इस तरह से एक गोलाई में राउंड इसमें निशान लगा दीजिए और इसके ऊपर हम कट लगा देंगे। तो इस तरह से एक फ्लावर निकल कर आएगा इसमें से। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्लावर्स बनाने का। ये देखिए, आगे भी हमने छोटा सा कट लगा दिया जिससे इसमें होल बन गया है। और ये देखिए, 2 फ्लावर्स हमारे पास बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सारी स्टिक्स तैयार कर ली हैं और इस फ्लावर को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है ये। हम छोटा कर लेते हैं इस तरह से तोड़ करके, अलग अलग साइज में रखना है इनको, एक साइज में नहीं रखना है। और सारे फ्लावर्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इसके बाद हमने बचे हुए पीस को इसके ऊपर इस तरह से लपेटना है। फ्लोरल टेप आता है ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर का, वो भी आप ले सकते हैं इसके लिए। नीचे चिपका देते हैं इसको। फ्लावर हमारा बनकर तैयार हो गया है। बाकी के बचे हुए फ्लावर्स भी हमने इसी तरह से रेडी करने हैं। ये देखिए, एक पीस और तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इनको अरेंज करेंगे। कट कर देते हैं इसको और बाकी बचे हुए पीस को चिपका देते हैं इसी तरह से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्टिक्स भी तैयार हैं। इनको भी हमें बड़े छोटे साइज में कट करना है, कुछ साइज बड़े रखने हैं, कुछ मीडियम और कुछ छोटे। और इसी तरह से हमने फ्लावर्स भी रखे हैं। ये कुछ और फ्लावर्स मैंने बना के रखे थे, वो भी ले लेते हैं। और ये भी एक फ्लावर पॉट है, DIY किया था इसको भी मैंने। तो इसमें हमने पहले फूल झाड़ू के जो स्टिक्स हैं उनको लगाया है और उसके बाद आगे की तरफ हम फ्लावर्स को अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरह के फ्लावर्स को मिलाते हुए हमने लगाना है इसमें। बड़े साइज के हैं और कुछ छोटे साइज के हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा फ्लावर अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं घर पर पुराने झाड़ू का इस्तेमाल करके। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।